नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कंडीशंस हैं, ऐसे कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जबकि स्विचवर्ड्स काम नहीं करते। कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक स्विचवर्ड किसी एक व्यक्ति को रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वही सेम स्विचवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को रिजल्ट नहीं दे रहा? क्या आपने कभी इस पर गौर किया? आपको कभी लगा कि क्यों, ऐसा कारण क्या है कि वही वर्ड एक को रिजल्ट दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे पा रहे? अरे, वो परिस्थितियां हैं उसके पीछे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि स्विचवर्ड्स के रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। स्विचवर्ड आपको रिजल्ट देंगे या आपको स्विचवर्ड से रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जिनको कि आप ध्यान रखें, जो आपके स्विचवर्ड्स के रिजल्ट को असर डालती हैं। तो आप इन अगर चार पांच चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप भी स्विचवर्ड से बहुत अच्छे से रिजल्ट पा सकेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज है ट्रस्ट। स्विचवर्ड पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप उसे आजमा रहे हैं, कि ज्यादातर लोगों की लैंग्वेज ये होती कि ठीक है करके देखते हैं, गलत चीज है। करके नहीं देखते, करिए, उसको करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपने 100% आंख बंद करके ट्रस्ट कर लिया, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। हमेशा ये होता है कि ऐसे लोग जो स्विचवर्ड को टोटली आंख बंद करके फॉलो कर लेते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। और वो लोग जो कि करके देखना चाहते हैं, जो आजमाना चाहते हैं, तो कभी भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे वो दिन में कितना चैंटिंग कर ले। तो हमेशा याद रखें कि आपको आजमाना नहीं है, वर्ड्स अपने आप में पावरफुल है, आपको उनको आजमा कर नहीं देखना है, उनमें तो शक्ति है ही। आपको ये चीज मान लेना है, आपको विश्वास करना है, अटूट विश्वास करना है, तब आपको स्विचवर्ड से रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज, डेस्परेशन। डेस्परेशन एक ऐसी चीज है, उतावलापन, मतलब बहुत ज्यादा आप जल्दी से रिजल्ट पाना चाहते हैं। देखिए, ये एक कॉमन चीज है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरह हमको रिजल्ट मिल जाए, किसी भी चीज से हमको रिजल्ट मिल जाए। लेकिन जो ये डेस्परेशन है ना, यही आपके रिजल्ट को दूर करती जाती है। उतावला नहीं होना है, हर चीज को समय दो। आज मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है, अब आप ये सोचिए कि आपने वर्ड की चैंटिंग शुरू की और जल्दी से 3 दिन 4 दिन में आपको फटाफट रिजल्ट मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। एनर्जीज का काम करने का अपना तरीका होता है, वो आपको रिजल्ट देंगे अगर आप पूरे विश्वास के साथ उनको चैंट कर रहे हैं। वर्ड्स आपको रिजल्ट देंगे, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अपने समय के साथ। यूनिवर्स का काम करने का अपना तरीका है। आपकी कौन सा कारण है, कौन सी रुकावट है, ये आपको नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स को मालूम है। तो जब आप चैंटिंग शुरू करेंगे तो कहाँ से रूट कॉज से किस तरीके से वर्ड्स काम करना शुरू करते हैं, तो आपको पूरे विश्वास के साथ उतना समय वर्ड्स को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप डेस्परेट ना हो, चैंटिंग करते रहें, बाकी भगवान पे छोड़ दें, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दें, रिजल्ट की ज्यादा परवाह ना करें, उतावलापन कभी नहीं दिखाना चाहिए चैंटिंग में। तीसरी चीज, रिजल्ट के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। अगर हमको रिजल्ट के प्रति हम बहुत उत्सुक होते हैं तो वो रिजल्ट हमको इजिली मिलता नहीं है। स्विचवर्ड्स के साथ में हमेशा ये देखा है कि बहुत ज्यादा अगर चैंटिंग करते वक्त आपका ध्यान रिजल्ट पे ही टिका हुआ है तो आपको बहुत आसानी से रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए स्विचवर्ड्स को जब भी चैंट करें, रिजल्ट पे अपना दिमाग ज्यादा ना लगाए रखें, रिजल्ट जो होना होगा वो होगा, आप बस केवल अपनी चैंटिंग करते रहिए। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा उसके अर्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको वर्ड्स अगर चैंट करें तो पहले उसका मीनिंग देखते हैं, उसका क्या मीनिंग है, क्यों वो चैंट कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप मीनिंग जितना देखेंगे, हो सकता है किसी वर्ड का मीनिंग दूसरा निकल रहा हो, लेकिन आप चैंटिंग किसी दूसरे पर्पज से कर रहे हो। तो इसीलिए स्विचवर्ड्स का अगर आप मीनिंग भी नहीं जान रहे तो कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसे मंत्र समझ के चैंट कर डालिए। अगर आप उसको मंत्र समझ के चैंट कर लेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलने लगेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस तुरंत फील होने लगेंगी। तो ये होता है। इसके अलावा सरेंडर, आपने परिस्थितियों के आगे अगर खुद को सरेंडर नहीं किया है तो आपको स्विचवर्ड से उतना आसानी से रिजल्ट नहीं मिलेगा। सरेंडर करना होता है, आप अजमाइए नहीं वर्ड्स को, वर्ड्स के आगे, यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दीजिए कि मैं ये वर्ड चैंट करने जा रहा हूं, आगे आप मेरे जीवन में क्या होना है वो आगे आप जानो, भगवान जाने, यूनिवर्स जाने,
आप बस चैंटिंग करें और मन में यही भाव रखें कि आगे आप जाने, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे ज्ञान में जितना था मैंने अब तक किया, लेकिन आगे मैं वर्ड्स चैंट कर रहा हूं, कैसे रिजल्ट देना है, कब रिजल्ट देना है, ये आप जानो। जैसे ही आप भगवान पे ये छोड़ोगे, जैसे ही आप यूनिवर्स पे ये छोड़ दोगे, केवल आप अपना कर्म करोगे और चैंटिंग करते जाओगे। आपका कर्म है इस समय चैंटिंग करना, तो आप जैसे ही चैंटिंग करते जाओगे, रिजल्ट भगवान पे छोड़ोगे, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमको सिचुएट से जरूर रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग चैंटिंग के साथ साथ इस बात पे भी बहुत रहता है कि आखिर ये वर्ड्स क्या करेंगे, किस तरह से मेरी परिस्थिति को हील करेंगे, कैसे मुझे जॉब देंगे, कैसे मेरी बीमारी को ठीक करेंगे, कैसे मुझे वीजा देंगे, किस तरीके से। तो जब आपका मन इन सब चीजों में उलझा रहता है कि वर्ड्स आपके लिए क्या और कैसे करेंगे, तो समझ लीजिए आपकी आधी एनर्जी तो वहां डाइवर्ट हो गई। तो इसीलिए आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपसे दूर होना शुरू हो गया। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि जिनको अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको स्विचवर्ड से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आपके मन में थॉट आता है, अरे स्विचवर्ड से कुछ होता नहीं है, किसी ने हमको वर्ड बताया बेकार है, उससे कुछ हुआ नहीं। वर्ड्स बेकार नहीं है, आपको चैंटिंग करने का तरीका गलत है। जो मैंने पॉइंट्स बताए, आप इन पॉइंट्स पे जब ध्यान रखेंगे और ध्यान रखने के बाद जब आप चैंटिंग शुरू करेंगे तो आपको यकीनन स्विचवर्ड से रिजल्ट मिलेगा। पहले इन पॉइंट्स को आप रिव्यू करके देखिए कि क्या आपको उन पे ट्रस्ट है, क्या आप डेस्परेट हैं, क्या आपका दिमाग रिजल्ट में ज्यादा उलझा हुआ है, और क्या आपने परिस्थितियों के आगे सरेंडर किया है, क्या आपने वर्ड्स के आगे सरेंडर किया है। जब आप कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि हमको सिचवर्ड की चैंटिंग के समय हमेशा याद रखने चाहिए ताकि हम उनका अच्छा रिजल्ट पा सकें। तो साथियों, ये हुए सिचवर्ड्स के लिए कुछ फैक्टर जो कि आपके रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। अगर आप सिचवर्ड्स का कोर्स करना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।